दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये है चैप्टर 9 और अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट 3, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक रेट लेज़र के बारे में। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, ये पार्ट 2 के अंदर हमने लाइव डेमो देखा था और उतना ही काफ़ी है फिलहाल अभी आपके समझने के लिए। और पार्ट 3 सेम है इसकी तरह। पार्ट 2 में क्या था कि जो भी हमने कैश या बैंक के थ्रू जो पैसे जमा करवाए हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या NFT के थ्रू, जो भी था आपका मीडियम, जिसके या RTGS किसी भी थ्रू हमने जो पैसे जमा करवाए हैं, उसको हम एनी पेमेंट, किसी भी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट में 1 सिखाया था। ये टैक्स भी हो सकता था, ये इंटरेस्ट भी हो सकता था, ये पेनल्टी भी हो सकता था। लेकिन पार्ट 3 में जब हम क्रेडिट लेज़र के बारे में बात करते हैं, तो ये कहता है कि भैया, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी टैक्स की पेमेंट के लिए जिम्मेवार हैं और किसी के लिए नहीं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। क्या कहता है इसके बारे में स्टडी मटेरियल, आइए देखते हैं। दोस्तों, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49, इसमें 3 सेक्शन रेफर करने हैं सर, 2, 4, 5, और इसके साथ एक रूल है 86, वो भी फॉलो करना है। सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेल्फ असेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। भैया, ये बात हमने पहली पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कम समय दूंगा। प्लीज़ याद रखना पार्ट 1 में जो पढ़ा है। बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी क्रेडिटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेज़र, दिस इज टू बी मेंटेन्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। कैसे किया जाता है उसके बारे में है। ये ओवरऑल वही है कि भैया, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सेल्फ असेस्ड हमने किया था, तो कितना हमारा बन रहा है, बस उसकी पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जिम्मेवार होता है और की पेमेंट के लिए नहीं होता। और ये वाली जो बात थी, ये ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दी है। जिसको याद ना हो, पार्ट 1 एक बार दोबारा से प्ले करके देख ले। ठीक है, अब इसमें क्या सीखना है, बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें। देखो भैया, सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले यहाँ पे लेके आता हूँ। इस चार्ट को देखना, देखो दोस्तों, जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इस स्पीड को फॉलो करना है, क्योंकि इस पर 20% एफर्ट दे के 80% रिजल्ट आ सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये हमने पहले ही एक 3 मिनट का पार्ट मैंने बनाया था, वहाँ डिस्कस किया था, लेकिन अगेन यहाँ पे आया है स्टडी मेट में, तो मैं अगेन बता रहा हूँ। भैया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST, सर याद रखना, लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि जो कैश डिपॉजिट किया है वो एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो सकता है। याद रखना, लास्ट पार्ट में मैंने सिखाया था कि कैश या नेट बैंकिंग के थ्रू आपने जो कैश, जो IGST के कॉलम में मैंने 1000 लिख के दिखाया था, वो ये कहा था कि कैश अगर आपने डिपॉजिट किया है IGST में, तो IGST के लिए ही सेटअप होगा। लेकिन अगर IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो पहले IGST के लिए सेटअप होगा, फिर वो CGST के लिए सेटअप हो सकता है अगर कुछ बच गया तो, और फिर बच गया तो SGST और UTGST के लिए वो सेटअप होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी मैंने आपको ये बात सिखाई थी। याद रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपने कैश जमा किया है IGST के लिए, जैसा हमने पार्ट 2 में देखा था 1000 वाला अमाउंट, तो वो सिर्फ IGST के लिए एडजस्ट होगा। लेकिन IGST में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है, तो IGST के लिए भी एडजस्ट होगा, CGST के लिए भी एडजस्ट होगा, SGST और UTGST के लिए भी एडजस्ट होगा। अगर CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो CGST के लिए और IGST के लिए सेटअप हो सकता है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है SGST और UTGST का, तो SGST और UTGST और IGST के लिए एडजस्ट हो सकता है। ठीक है भैया, उसके बाद वो कह रहा है कि भैया, CGST का SGST UTGST में एडजस्ट नहीं हो सकता और UTGST का CGST में एडजस्ट नहीं हो सकता। आपको इस चैप्टर में याद क्या रखना है, इस वाले हेड में जो अभी हमने पढ़ा, भैया पहली बात जो मुद्दे की है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये मीनिंग याद रखनी है, एग्जाम में इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मेथड है टैक्स को एडजस्ट करने का, ये ऑलरेडी हमने एक बार किया था, 3 मिनट का पार्ट होगा शायद, मुझे याद नहीं उस पार्ट का नंबर, लेकिन वो आपको याद रखना है कि भैया, ये ओवरऑल अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, तो वो जो डेफिनेशन दी थी वो देना है, और इनके सेटअप का प्रोटोकॉल बता देना है, काफ़ी होगा। 5 नंबर से ऊपर आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन, आएगा तो मेरे हिसाब से डिफरेंस पूछना चाहिए, और बाद में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, वो पूछने चाहिए, ना ही कि ये सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे हेडिंग हमें पढ़नी है, व्हाट हैपेंस इफ द टैक्सेबल पर्सन फाइल द रिटर्न। रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन पेमेंट नहीं की। अरे बाबा रे, समझ रहे हो गलती, समझ रहे हो आप भाई साहब, को रिटर्न फाइल करनी थी 3B 20 तारीख तक, कर दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने टैक्स की पेमेंट नहीं की, रिटर्न फाइल की लेकिन टैक्स की पेमेंट नहीं की, तो अब क्या होगा। इन सच केस द रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड रिटर्न, तो इसको वैलिड रिटर्न माने नहीं जाएगा। वो कह रहा है भैया, हमें रिटर्न तोड़ना चाहिए, तो हमें तो पैसे चाहिए थे ना, हमें रिटर्न प्लस पैसे दोनों चाहिए। सेक्शन 2
सबसेक्शन 117 डिफाइंस अ वैलिड रिटर्न मीन अ रिटर्न फर्निश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द 39। और 39 क्या होता है, रिटर्न प्लस कैश जमा कराओ, जो भी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो जमा कराओ। अगर आप दोनों में से कोई एक कराते हो तो इसे हम वैलिड रिटर्न नहीं मानते। ऑन विच सेल्फ असेस टैक्स हैज बीन पेड इन फुल, जो भी आपने सेल्फ असेस टैक्स किया है कैलकुलेट, वो आप पूरा का पूरा जमा कराओ। इट इज ओनली द वैलिड रिटर्न दैट वुड बी यूज द फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अब दोबारा इससे बात सुनना, समझो ये पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक हो गया, मैंने जो अपनी बुक बनाई है उसमें ब्रेक कर दिया है। फिलहाल एडिटर साहब की तबीयत खराब है इसलिए मैं बुक नहीं दिखा पा रहा आपको, यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया है मैंने। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि भैया अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको चाहिए तो जिसने रिटर्न फाइल करनी थी उसकी रिटर्न सही होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न सही फाइल नहीं हुई है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं ले सकते। मुद्दे वाली बात ये। आगे कहता है फाइल्ड हिज रिटर्न, जो भी सेल्फ असेस टैक्स है वो अपनी रिटर्न फाइल करे, एंड द रिसिपियंट हैज फाइल्ड हिज रिटर्न, जो रिसिपियंट है जिसने सर्विस ली है वो भी रिटर्न फाइल करेगा, तो दोनों का मैच करेगा तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आप दोनों मैच ही नहीं कर रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। ये सारी बातें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ी थी, रिकॉल नहीं हो रहा है तो अभी सेकंड रिवीजन हमारा चालू होगा सिलेबस खत्म करते ही, तो वहां से आप दोबारा से टेस्ट जब मेरे साथ दोगे तो आपको ये सारी बातें रिकॉल होंगी, मेरा वादा है। इसके बाद सर ये लास्ट पॉइंट, लास्ट हेडिंग है इस पॉइंट की, कॉमन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। ये क्या कहता है मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज आपने परचेज किया था 10,000 का, तो आपका 1,000 की लाइबिलिटी आपके जीएसटी की बन गई, लेट सपोज 10% है, ठीक। अब सेल जब मैंने किया, सप्लाई जिसे हम सेल कह रहे हैं दैट इज सप्लाई, तो सप्लाई जो मैंने किया वो 20,000 का किया, तो ओवरऑल मेरी टैक्स लाइबिलिटी इस पे 10% के हिसाब से बनती है 2,000 रुपये। तो ओवरऑल जब मैं इसे पे करूंगा तो 2000 तो मैं अपनी लाइबिलिटी शो करूंगा, फिर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे ये 1,000 रुपये ले लूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल 1,000 मैंने पे कर दिए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा ये 1,000 नहीं है, ये 500 होने चाहिए थे, तूने गलती की है। इसे कहते हैं कि रिफंड अमाउंट रिजेक्टेड, रिफंड अमाउंट, या फिर ये बोलो कि जो क्लेम अमाउंट है, ठीक है, वो आपका रिजेक्ट हो गया है। क्लेम अमाउंट, जो मैंने अमाउंट क्लेम किया था 1,000, वो रिजेक्ट हो गया, या तो पूरा या तो हाफ। लेट सपोज 500 रिजेक्ट हो गया तो मेरी लाइबिलिटी में 500 रुपये ये ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल मुझे 1,500 रुपये देने पड़ जाएंगे। अब यही थ्योरी है, जरा पढ़ो इसकी। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड, रिफंड क्लेम किया मैंने ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर, द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। तो जब भी रिफंड क्लेम करूंगा तो उसे मैं डेबिट करता हूँ, क्या करता हूँ, याद रखना डेबिट। तो आपको याद है पार्ट टू में क्रेडिट डेबिट आ रहा था, तो वही है डेबिट। इधर रिफंड सो क्लेम्ड इज रिजेक्टेड, जो मैंने रिफंड क्लेम किया था वो अगर रिजेक्ट हो जाता है आइदर फुल्ली, या तो पूरा पूरा 1,000 या पार्टली यानी 500, तो द अमाउंट डेबिटेड अर्लियर, जो मेरा अमाउंट पहले डेबिट हुआ था टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन, यानी 500 रुपये तक का रिजेक्ट हुआ था, शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। तो वो 500 रुपये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिए। रिजेक्ट कितना हुआ, 500, तो 500 मैंने ऐड कर दिए। कैश और क्रेडिट बाय, अब ये किसके कहने पे होगा, तो ये प्रॉपर ऑफिसर के कहने पे होता है। तो इसी के साथ विद इन 10 मिनट्स हमने इस पार्ट को रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 49 सबसेक्शन 789 रूल 85, ठीक है सर, फिर हम उसे वहाँ फिनिश करेंगे। इस पार्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मुझे शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।